हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो जैसा कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स पिछली वीडियो में किया था अनसेचूरेटेड के बारे में मतलब अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम एल्केन्स कैसे बना सकते हैं आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि एल्काइल हेलाइड से एल्केन कैसे बना सकते हैं फ्रॉम एल्काइल हेलाइड फर्स्ट मेथड है आज की वीडियो का बस वुड्स रिएक्शन वुड्स रिएक्शन क्या होती है उसका मैकेनिज्म हम अगली वीडियो में करेंगे इस आ, इस वीडियो में बस वुड्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो ये होती क्या है देखो अल्काइल हेलाइड एल्काइल हेलाइड मतलब कि हेलाइड ले लो यहाँ पे ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन ठीक है क्लोरीन और उसके आगे अल्काइल हेलाइड अल्काइल हेलाइड ग्रुप जैसे कि ये ब्रोमिन और आयोडीन इज ट्रीटेड विद सोडियम एन उसको पहले इन अल्काइल हेलाइड को सोडियम के साथ ट्रीट कर लेंगे इसने बोला था वुड तो साइंटिस्ट का नाम है इसने बोला था कि अल्काइल हेलाइड लो सोडियम के साथ ट्रीट करो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर ड्राई इथर में डाल के ठीक है असिमेट्रिकल एल्केन कंटेनिंग ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ एल्काइल हेलाइड इज ऑप्टेन हमें क्या मिलेगा एल्केन मिलेंगे सिमेट्रिकल एल्केन मिलेंगे ठीक है हम करके देख लेते हैं जैसे कि हमारे पास ये है एल्काइल हेलाइड कोई भी अल्काइल ग्रुप है ये हेलाइड ग्रुप है आर एक्स इसका दो बार ले लो इसको ठीक है इस रिएक्शन में इसने दो बार लिया इसको इन दी, आ, हमने ट्रीट किया इसको सोडियम के साथ ठीक है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई थर लगाना मत भूलिएगा ड्राई के प्रेजेंस में किया था तो हमें क्या मिले देखो यहाँ से क्या होगा टू मोल्स ऑफ एन एक्स बाहर निकल जाएगा ठीक है ये इजी वे है इसी से देख सकते हो अगर आपको कहीं भी रिएक्शंस में सोडियम और ड्राई इथर एक साथ आ जाए तो कुछ नहीं करना टू मोल्स ऑफ एन और ये था ना हमारा हेलाइड ग्रुप ये आपको रिमूव कर देना है, तो हमारा क्या बचेगा आर आर प्लस में टू एन एक्स आर आर यहाँ पे एल्केन बन गया ठीक है सिमेट्रिकल एल्केन बन गया ओके okay, एग्जाम्पल से समझते हैं जैसे कि ये अल्काइल हेलाइड एल्काइल हेलाइड कैसे हुई देखो ये अल्काइल ग्रुप है सी एच थ्री सी एच टू इज इथाइल ठीक है और ये हेलाइड ग्रुप लगा हुआ है इसको दो बार ले लो ठीक है और ट्रीट करो इसको सोडियम मेटल के साथ ओके ये भी हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई थर हमें क्या करना है बस यहाँ से ये दो मोल्स ऑफ एन बाहर निकाल देना है और हमारा एल्केन बनेगा क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री हमारा बन गया ये ब्यूटेन देखो चार कार्बन है चार कार्बन के लिए ब्यूट और सारे सिंगल वो बॉन्ड है उसके लिए एन प्लस में क्या बाहर निकला टू मोल्स ऑफ एन ए आई सोडियम आयोडाइड हमारा बाहर निकल गया बस हमें इतना सा काम करना है एल्काइल हलाइड से एल्केन अल, बना देना देखो कुछ ज़रूरी चीज़ है नोट करो दिस मेथड गिव्स एल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम बस दिस मेथड गिव एल्केन एल्केन देगा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे पास क्या होना चाहिए इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम देगा अगर बाय चांस ये दोनों अलग अलग है ये दोनों अलग अलग है यहाँ पे मिथाइल है यहाँ पे इथाइल है तो क्या होगा

वो आएंगे इसमें अगर दो डिफरेंट दे रखी इसको एग्जाम्पल से समझते हैं देखो ये एग्जाम्पल है CH3BR, एक में तो मिथाइल ब्रोमाइड दे रखा है ठीक है एक में इथाइल ब्रोमाइड दे रखा है और हम इसको रिएक्ट कर रहे विथ सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई तो देखो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ कार्बन कार्बन ऑड नंबर ऑफ कार्बन बनेगा कैसे बनेगा टू एन ए बी आर तो सबसे पहले क्या करना है बाहर निकाल दो क्या बचा सी एच सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री बस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री प्लस में टू एन ए बी आर ठीक है वुड्स रिएक्शन एक बात और वुड्स रिएक्शन कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर प्योर एल्केन्स विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेपरेट द मिक्सचर इसने क्या बोला जो ये वुड्स रिएक्शन है ना ये हम प्रिपेयर नहीं कर सकते प्योर एल इससे नहीं आ सकते ऑड नंबर आएंगे ऑड नंबर ऑफ़ कार्बन ऐटम बिकॉज इट इज़ वो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए उनको हम अलग कर सकें देखो इवन नंबर को तो हम अलग कर सकते हैं दो और दो ओड नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा टू सेपरेट द मिक्सर ऑप्टेड तो इस वीडियो में बस इतना ही वुड्स रिएक्शन अगली वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी इसके ऊपर बेस्ड और हम मकैनिज़्म करेंगे ये वुड्स रिएक्शन कैसे हुई इसका पूरा मकेनिज़्म तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग